हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और बट्टा। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है दिल्ली पुलिस में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से मिला के आपके एग्जाम में, जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है। हम सीधा क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा, फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस बार भी बहुत बढ़िया लेवल ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉप 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, 15 ही क्वेश्चन, 15 सभी जो है एक से बढ़ के एक लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। देखिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि किसी वस्तु पर लाभ जो है उसकी लागत का 120% है, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? निकटतम पूर्णांक तक जो है निकालना है। तो एक बात और ध्यान समझिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को रोककर क्वेश्चन बनाने का खुद से भी प्रयास किया करिए। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं तब आगे आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, पहला किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ जो है उसकी लागत का 120% है, तो सीपी को आप कितना मान लीजिए? 100%। कितना मान लेंगे? 100%। तो आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो लाभ है यानी जो प्रॉफिट है वो कितना है? 120% है। तो यानी कितना हो जाएगा? 120। अगर प्रॉफिट 120 है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? तो एसपी कितना हो जाएगा? 220। फ्रेंड्स, कोई सामान 100 में आपने खरीदा, 120 का आपको फायदा मिला, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 220 रहा होगा। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, यानी सीपी को अगर 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। अब कह रहा है और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, यानी विक्रय मूल्य जितना पहले था अब भी उतना ही रखिए। तो कह रहा है कि लाभ कितने प्रतिशत होगा, वो भी किस पे पूछा है? प्राप्त विक्रय मूल्य पर लाभ कितने परसेंट होगा? तो अब देखिए कितने का लाभ होगा, 125, यानी 225 से 125 घटा देंगे, कितना जाएगा? 95, यही आ जाएगा। कितने पे? विक्रय मूल्य पे बना बताना है, तो बटे 220 इंटू 100। तो देखिए फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5। 95 × 5 करेंगे, 5 25 की 5 2 5 45, 2 47, यानी 475/11। तो 11 चौके 44, 11 चौके 44। तो देखिए फ्रेंड्स, दो ऑप्शन आपके कट गए। तो इसी तरीके से आपको करना है, 11 चौके 44 कितना आ गया यहाँ पे? 35। 11 तिहाई 33, यानी 43 समथिंग आएगा, यानी पूर्णांक तक बताना है, यानी सेकेंड ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई सवाल इस टाइप का पूछा गया है, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की तीन क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.40 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ों को आप फ्रैक्शन बदल लीजिए। मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस बार डाटा टफ दे, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन इस बार हो सकता है फ्रेंड्स डाटा टफ दे, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले इसको एक काम किया करिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा? 15/100। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, यानी 3/20, तो कितना हो जाएगा? 3/20। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। और 18%, 18/100 करेंगे, 2 से कटेगा, यानी 9/50। जो नीचे रहता है यही मूल मान होता है, यही अंकित मूल्य है। तो ये एमपी है, इधर लिखिए एसपी। देखिए 50 का ही 18% 9 होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसे ही 20 का 15% 3, यानी 20 था, 3 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने में बेचा गया? 17 में। कितने में बेचा गया? 17 में। 5 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया गया, 4 में बेचा गया। 50 का सामान 9 का डिस्काउंट दिया गया, तो 41 में बेचा गया। तो
तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो इस बात का ध्यान देना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 17 × 7 × 41, यही हो गया मेरा। इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 22.30, यही दिया है। एक की वैल्यू निकाल देंगे तो फ्रेंड्स 22.30/4 कितना हो जाएगा, 17 × 4 × 41। मुझे मार्ड प्राइस चाहिए, तो मार्ड प्राइस चाहिए यानी 20, 25, 100, और 100 × 5 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से, 5,000। ये 5,000 आ जाएगा, तो इंटू मुझे 5,000 की वैल्यू चाहिए, यही कर दीजिए। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ तो ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पहले 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 23 हो गया, 23 हो गया, तो फिर 4 × 5 = 20 कितना हो जाएगा, 30, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24। अगर मैं 17 से काटूँ तो 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51, 17 × 3 = 51 कितना हो गया, 47 बचा, फिर 17 × 2 = 34, 17 × 2 बार जाएगा 34 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा, 17 × 8 = 136, यानी 328 आ गया। 41 से काट देंगे, 8 बार कटेगा, कितनी बार, 8 बार, 500 × 8 कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी 4,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, आप कैसे भी करेंगे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि की जाती है, तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, क्लियर है। जब कह रहा है 185 की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है 26% की हानि, तो पहले 26% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे कितना कर दीजिए, -26। बहुत सारे बच्चे 100 से 26 भी घटा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट लगाना है, 26% की हानि होती है, फिर कह रहा है 24% लाभ में बदल जाता है, तो ये 24% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तभी तो 185 की वृद्धि होगी, यानी पहले 26% की हानि हो रही थी और 24% का लाभ, यानी कितना जाएगा, 50%। 50% की वैल्यू कितना दिया है, 185, यही है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए, 185 दूना कर देंगे कितना जाएगा, 370 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान सवाल थी फ्रेंड्स ये, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इस टाइप का सवाल फ्रेंड्स पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 वस्तुओं को प्रति 200 रुपए के मूल्य में खरीदा गया, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया, यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो कह रहा है वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स यहाँ इसको 2 तरीका है करने का, एक तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, एक आप वैसे ही बेसिक से भी लगा सकते हो। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एलिगेशन से सिखाता हूँ। एलिगेशन देखिए फ्रेंड्स, जब 2 डाटा को मिला के एक कंबाइंड डाटा मिलता है, वहाँ एलिगेशन लगता है। जैसे 3 वस्तुओं को 200 मूल्य में खरीदा है, तो उनमें से एक को 12.5%, यानी एक का मतलब 200 है, तीनों वस्तुएं 200 है, तो यानी यहाँ पे 2 वस्तु है, दूसरी वस्तु है और प्लस का ये तीसरी वस्तु है, तो ये कितने का हो जाएगा, 400। अगर मैं इनके रेशियो की बात करता हूँ, तो रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से 1:2 हो जाएगा। अब देखिए उनमें से एक को 12.5% की हानि पर, तो 12.5% की हानि पर लिख दीजिए, तो फ्रेंड्स 12.5, 100 से 12.5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां से आपका 87.5, 87.5 आ जाएगा, क्लियर है, यही है। ओवरऑल दोनों को मिला के 20% का लाभ हुआ है, 120। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हम माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो जो ऊपर रेशियो आता है वही नीचे भी आएगा, इसके लिए नो डाउट। 120 से 87.5 घटा दीजिए फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहां से, अगर 120 से मैं यहां पे ये 88 होता तो फ्रेंड्स आपको कितना आ जाता, 32, यही है। लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 32 आ जाएगा, 88.5 और यानी 32.5, 32.5 आएगा। तो 2 की वैल्यू 32.5 है, तो यानी कितने गुना है, 16 दूना 32, यानी 16.25 गुना है,
यही तो है। तो ये भी फ्रेंड 16.25 गुना होगा, 16.25 गुना कर देंगे तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा 16.25। देखिए फ्रेंड्स, एक बार इससे ये घटा है तो अगली बार इससे ये घटेगा, एलिगेशन की एक खासियत ये भी है। देखिए 120 से 87.5 घटा, अगली बार इस वाले से घटेगा तो 120 में 16.25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 136.25 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 136.25 आ गया तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 36.25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, एक दुकानदार क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात आपको करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो सीपी को मैंने कितना मान लिया, 100। तो मार्ड प्राइस कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 120। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो 120 का पहले 3/4 ले लो, 120 का 3/4 लेंगे तो फ्रेंड्स 90 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी 30 तिहाई 90 आ जाएगा। तो 120 का 3/4 लेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 90। और इसको जो है क्या करता है, अंकित मूल्य पे ही बेच दे रहा है, यानी बेच दे रहा है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स, वह उनमें से शेष 120 में से 90 घटाएंगे, कितना शेष बचेगा, 30, यही बचेगा। शेष को 30% की छूट देता है, तो अगर यहाँ 30% का छूट देगा, 30 का 30% कितना आ जाएगा, 9। 9 का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा। तो यानी कितने का बेचा, 1, 9, 2, 11। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कोई वस्तु 100 में खरीदी गई, 111 में बेची गई, तो परसेंटेज हमेशा 100 में ही देखा जाता है। 11% का लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11% का लाभ होगा, यानी पहला ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बड़ा बेहतरीन सवाल था फ्रेंड्स, ऐसे ही चीजों को आपको एग्जाम में भी कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% के हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, तो चावल की मात्रा केजी में 20% हानि पर कितनी बेची गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1000 केजी चावल उन्होंने खरीदा है। अब देखिए, एक भाग को 10% के लाभ पर तो कितना हो जाएगा, 110, दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया है तो यानी 80। पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई है, यानी 89। देखिए फ्रेंड, जब दो डाटा को मिलाया जाए, तीसरा डाटा मिले तो वहाँ एलिगेशन तुरंत लगा दिया करिए। तो 89 से 80 घटा देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। यही तो है फ्रेंड्स, 11% की हानि हुई है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 89। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 110 से 89 घटा देंगे, 89 एक कितना हो जाएगा, 90, यही हो जाएगा 90। और 90 और कितना हो जाएगा यहाँ से, 21, यही तो हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए 89 एक कितना हो जाएगा, 90 और 10 100 और 10 यानी कितना हो जाएगा, 21। किससे काटेंगे, 3 से काट दीजिए फ्रेंड, 3 3 91, 3 7 21, 3 अनुपात 7 यानी मेरा कितना आ गया, 10। क्वेश्चन में दिया है कितना, 1000। तो देखिए फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू 100, 20% की हानि। देखिए फ्रेंड्स, ये 20% की हानि जो जिसके नीचे दिया रहता है उसी का पूछा जाता है, उसी वो इसी का आता भी है, ये भी ध्यान देना। 100 × 7 करेंगे कितना जाएगा, 700, यानी 700 केजी चावल जो है वो 20% की हानि पर बेचा है, इस बात का ध्यान देना। अगर लाभ पे पूछा होता तो फिर कितना हो जाता यहाँ पे, 300 हो जाता, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ये भी शानदार है फ्रेंड्स, देखिए कैसे करेंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना कुछ नहीं है, 5000 रुपये अंकित मूल्य इस बार दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी अभी हमने आपको बताया था, कितना हो जाएगा यहाँ से, 3/3,
20 हो जाएगा। 10% का मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1/10। और 18% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 9/50, यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इधर एमपी लिखो, इधर एसपी लिखो, जो नीचे रहेगा वो हमेशा एमपी होगा फ्रेंड्स। यानी मार्ड प्राइस 20 है, 20 का ही 15% 3 होता है, 3 का डिस्काउंट दिया गया तो 17 में बेचा गया। ऐसे ही फ्रेंड 10 का 10% जो है एक होता है, तो यानी 10 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया गया, 9 में बेचा गया। ऐसे ही फ्रेंड्स 50 का सामान 9 का डिस्काउंट दिया गया, 41 में बेचा गया। इस बार विक्रय मूल्य पूछा है तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे पूरा कैलकुलेट करने के पीछे भागेंगे, ऐसा बिल्कुल कभी मत करिए। आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर जैसे 17 9 41 है तो ऑप्शन वही सही होगा, जैसे 9 है तो 9 का मल्टीपल ही होगा, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। ये भी नहीं होगा, देखिए 3 1 4, 3 7 6 13 5 18, ये हो सकता है ये 9 से कट रहा है फ्रेंड्स। 3 3 6 6 12, 12 2 14, 14 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 5 26, 26 भी 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 3 10, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, सेकंड वाला। तो ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, कुछ ही समय में आप क्वेश्चन को निपटा लेंगे, इस बात का ध्यान देना। इसी तरीके से आपको पेपर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स आप करने के लिए आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 की वैल्यू रहेगी, जो भी आएगा फिर इसका आप निकाल लेंगे तो भी यही आएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विकास ने ब्रांड ए के 3 पेन जो है 30 रुपए प्रति पेन की दर पे खरीदे, तो यानी टोटल कितने का खरीदा, 3 पेन 30 का खरीद रहा है, तो 3 × 30 कर दो कितना हो जाएगा, 90। उसने ब्रांड बी के 9 पेन 36 रुपए में खरीदे हैं, तो प्रति पेन का दाम है फ्रेंड्स 9 × 36 कर देंगे, 6 9 6 54, 54 की 4 कितना आ जाएगा, 5, 9 3 27, 5 कितना हो जाएगा, 32, यानी 324। टोटल कितने का खरीदा, 4 9 2 11 के एक हासिल लाइन, 414 रुपए का खरीदा है। फिर उसने सभी 12 पेन बेच दिए और कुल 496 रुपए का बेचा, ये तो सीपी हो गया। एसपी का यानी कितना हो जाएगा, 496 रुपए का बेच दिया, तो उस पूरे सौदे में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये पूछा है। तो देखिए लाभ कितने का होगा, तो पहले लाभ निकाल लिया करिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8, यही है 82 का लाभ होगा, किसमें, 414 में इंटू 100। अब बहुत सारे बच्चे पूरा कैलकुलेट करने के पीछे भागेंगे। अब देखिए मैं फ्रेंड्स एक तरीका आपको बता रहा हूँ, 82 को लगभग 80 मानिए, 414 को लगभग 400 मानिए, तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालू, हालांकि निकालना नहीं है, आप गेस कर लेंगे कि 1/5 है, यही तो है, तो यही तो है। देखिए 5 से काटेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉरी 4 से काटेंगे कितना जाएगा, लगभग 20%। ये 82 414 लगभग 20% के आसपास एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे चीजों को फ्रेंड्स कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, यानी 19.8% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा शानदार है और है शानदार है और हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, उस पर 20% 25% और एक्स परसेंट की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 1968 में बेचा गया है, तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान कितना है, यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है, 4000 रुपया है, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो 4000 का 20% निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स से कितना हो जाएगा, 4 × 8 यानी 800, तो सामान कितने का बेचा गया, 3200। अब 3200 पे फ्रेंड्स फिर 25% का डिस्काउंट दिया गया, 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, तो यानी 3200 का 25% निकालेंगे, 800 फिर आएगा, तो 800 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने बेचा जाएगा, 2400 में बेचा जाएगा। अब 2400 पे कितने एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, तो 1968 में बेचा गया, तो अब देखिए फ्रेंड्स कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने का दिया गया, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 6 गया कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3, यहाँ कितना बचा आपका, 13, 13 में से 9 गया 4, यानी 432 का डिस्काउंट दिया गया कितने पे, 2400 पे, और इंटू 100 कर दीजिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 से काटेंगे तो फ्रेंड्स 8 3 24, इसको 8 से काटते हैं तो 8 5 40,
आठ चौके 32, 3 से काट दीजिए फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 18 तरीका 54, यानी 18% का डिस्काउंट दिया गया, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स, इसी तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, बचे हुए केले को वह 5% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इसको आप सभी लोग कैसे लगाएंगे। जैसे 40 दर्जन केले हैं, वो 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पे खरीदा, उसका 3/4, यानी 40 का 3/4 लेंगे तो 30 दर्जन आएगा, आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 30 दर्जन आ गया, यानी 30 को वो 60 के हिसाब से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा 1800, 25% के लाभ पे बेचता है, तो ×125 और बटे कितना कर दीजिए 100, 00 से 00 कैंसिल, 125 × 18 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 18×5 90 की 09 आ गया, 18 × 36, 36 × 4 = 40, 5 = 45, 45 × 5 = 4, 18 × 9 = 18, 4 = 22, यानी 2250 रुपये में बेचा। अब 2 दर्जन के लिए सड़ जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स टोटल 40 दर्जन थे, 30 दर्जन तो वो 25% के लाभ पे बेच दिया, 2 दर्जन अगर केले सड़ गए तो कितने दर्जन बचे, 8 दर्जन बचे, तो 8×60 कर देंगे, 8×48 यानी कितना हो जाएगा 480, इसको 5% की हानि पर बेचा, तो देखिए फ्रेंड्स इनटू यानी इसका मतलब 95% में बेचेगा, अब बटे कितना कर दीजिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5×2 = 10, 5 से काटेंगे तो 5×1 = 5×9 = 45, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24, 24×19 करिए, 19×6 = 76, 76 की 6 हासिल लाइन 7 आ गया, 19×2 = 38, 38×2 = 40, 40×5 = 45, यानी कितना हो जाएगा 456, तो टोटल इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे देखिए 6×5×5 = 10 की 0 हासिल लाइन 4×2 = 1 7, यानी 2706 आ गया, और टोटल देखिए फ्रेंड्स खरीदा कितने में था, 40×60 कर देंगे तो 6×4 = 24, यानी 2400 में खरीदा था, तो देखिए फायदा कितने का हुआ, तो फायदा कितने का हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे 6×0 = 7 में से 4 गया 3, 306 का फायदा हो गया कितने में 2400 में, और इंटू कितना कर दीजिए 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 24 इसको काटेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 24×51 = 24, 24×51 = 24, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स चलिए इसको छोटा ही कर लेते हैं 6 से काट देते हैं, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6×6 = 6, तो 4 से काटेंगे तो फ्रेंड देखिए कितना आ जाएगा 4×1 = 4, यही आएगा, फिर 11 हो गया, तो 4×2 = 8, 12 दशमलव समथिंग आएगा, थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए आई होप कि बातें समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोग सेशन को लाइक भी कर दिया करिए, इस बात का भी ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% छूट पर बेचा जाता है, यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमपी और सीपी में रिलेशन पे सवाल जरूर पूछा जाता है, तो रिलेशन पहले आपको याद होना चाहिए, एमपी अपान सीपी बराबर क्या होता है 100+ प्रॉफिट अपान 100- क्या होता है फ्रेंड्स डिस्काउंट, यही होता है कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो अंकित मूल्य रख दीजिए 1824 बटे सीपी इज इक्वल लाभ कितने का हो रहा है 14% का 114, 18% का डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 82, यही हो जाएगा, 100 में से 18 घटा देंगे 82, तो 2 से इसको अगर मैं काट लूँ फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा यहाँ से 41, इसको 2 से काटेंगे तो 2×5 = 10, 2×7 = 14, किससे कटेगा फ्रेंड्स अब आप सभी लोग, तो 57 है ये, 3 से काट लीजिए, 3 से काटते हैं तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 3 से काटेंगे तो 19×57, यही होता है, इसको 3 से काटेंगे 3×6 = 18, 3×8 = 24, फिर 19 से काट लीजिए, 19 से काटेंगे 19×57, 19×2 = 38, तो सीपी कितना हो जाएगा 32 / 41, यही हो जाएगा, तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, तो अब 2 ऑप्शन में है, तो अगर मैं इसको देखे 30 मानू इसको 40, 40 तिहाई कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 1200, 1200 तो आ ही आएगा, लेकिन ये 32 है,
कितना है? 32 है, तो यानी 1500 तो नहीं जाएगा फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन होगा 1312, यानी 1200 से ज़्यादा ही आएगा, तो 1312 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, हमने कहा है कि वीडियो रोक कर भी आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, एक व्यापारी को वस्तु एक्स को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु वाई को बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि एक्स और वाई के क्रय मूल्यों, क्या है फ्रेंड्स, क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है, तो इस पूरे लेन देन के दौरान हुए लाभ और हानि की क्या करना है फ्रेंड्स, गणना करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ से क्या करते हैं, एक्स को 20% के लाभ पर बेचा गया है, क्लियर है, और वाई को जो है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यक्स है ये वाई है, ये 3:5 है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर मैं एक एक जीरो लगा दूँ तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो सर, यानी टोटल सीपी कितना आ गया, 80, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्लियर है। फिर कह रहा है कि उस वस्तु में वाई को 16% की हानि पर, यानी एक्स को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 30 का 20% निकाल दीजिए। 30 का 20% निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 का लाभ होगा, तो यानी कितने में बेचा गया, 36 में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 50 को 16% की हानि पर, तो 16% निकाल देंगे, 50 का 16% निकालेंगे कितना जाएगा, 8 आएगा, कितना जाएगा, 8। देखिए फ्रेंड्स, 50 × 100, 2×8 16, यानी 8 आएगा, तो इसका मतलब कितने में 8% की क्या हो रहा है, हानि पे बेचा गया, तो इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा, 42। तो ओवरऑल देखिए फ्रेंड्स, कितने में बेचा गया, 6 × 2 8 4 3 7, 80 का सामान 78 में बेचा गया, इसका मतलब हानि होगा, लाभ तो नहीं होगा, दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, तो इसका मतलब हानि कितने का हुआ, 2 का, कितने पे, 80 पे × 100, यही हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 × 4 8, 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5%, 2.5% की हानि होगी, यानी पहला ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप का भी सवाल फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है, अपूर्व ने 26 केजी सेब 2340 में खरीदे, उसने उन्हें 6 केजी सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य कितना था? तो देखिए फ्रेंड्स, अपूर्व ने कितना सेब खरीदा है, 26 केजी जो है सेब खरीदा है, उन्हें 6 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितने का होता है, 6 केजी का। तो अगर देखें फिर, 6 केजी, 26 केजी खरीदा है, 6 केजी का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब कितना केजी बेचा रहा होगा, 20 केजी, तभी तो फ्रेंड्स लाभ होगा 6 केजी का, क्योंकि सामान आप बेच रहे हैं, तो आप कम बेचेंगे तभी तो आपको फायदा होगा, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, 20 केजी का फायदा होगा, तो यानी आपको कितना खरीदा है, 2340, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2340 और बटे 20 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, कितना जाएगा, 117 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। इस टाइप का भी सवाल पेपर में देखने को खूब मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो कह रहा है, 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, किसी वस्तु को बेचने पे जितना ही लाभ हो रहा है उतने हानि के बराबर है उसी वस्तु पर, तो इसका मतलब वहां पे एवरेज लगाया करिए, सीपी निकाल लीजिए, 1384 और 1016 को जोड़ के उसका आधा कर दो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2400, और 2400 का आधा कर देंगे 1200, यानी 1200 कास्ट प्राइस आ गया। 1384 में बेचोगे उतना ही लाभ होगा और 1016 में बेचोगे उतने का ही सेम हानि होगा। तो अब कह रहा है, 16 सही 2/3% का लाभ होता, 16 सही 2/3% का मतलब 16 × 2 = 48, 16 × 3 = 48, 2 50/3% आ गया। इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/100 से भाग करते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीपी है, 1 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब बेचा कितने में जाएगा, 7/6 में, तो 1200 का 7/6 कर दो, तो 6 से काटेंगे, 6 × 2 = 12, यही हो जाएगा, तो 7 × 2 = 14, यानी किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 1400 में बेचना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातों को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो आज के सफर का फ्रेंड्स ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 2300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यदि वह उस घड़ी को 3231.50 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आसान है, जैसा कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क लाता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा और आसान भी है कि करना कैसे है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो जो है अच्छी लगी है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जिस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।